वेलकम टू HB स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, दिस इज हरिश्चंद्र। देखिए आज हम कुछ नया ही सीखने वाले हैं। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, तो तभी तो, दैट्स वाई कोई ना कोई रीजन को प्रदर्शित करेगा, कोई ना कोई रीजन रहेगा तभी इस कार्य को किया जाएगा। जैसे देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, दैट्स वाई प्लस सेंटेंस। इस सेंटेंस पर हम अनेकों वाक्य बना सकते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए एग्जांपल दिया गया है, इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसीलिए तो मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। देखिए ये रीजन है, इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इनको कहीं ना कहीं अंग्रेजी में पहले प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए अब ये अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं। देखिए इसीलिए तो हर एक सेंटेंस में आप सबको कॉमन दिख रहा होगा, इसीलिए तो, इसीलिए तो। देखिए इस स्ट्रक्चर पर हम इस सेंटेंस को अभी बनाते हैं, इसीलिए तो, दैट्स वाई मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, I am learning English। इसीलिए तो मैं रामायण पढ़ रहा हूं, That's why I am reading the Ramayana। इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, That's why I am teaching। इसीलिए तो मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, That's why I am scolding you। Next example। इसीलिए तो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, That's why you are playing cricket। इसीलिए तो तुम बाजार से सब्जियां ला रहे हो, That's why you are bringing vegetables from the market। मैं गया तभी तो तुम आए, That's why you came। तभी तो का मतलब that's why ही होता है, ये भी एक रीजन को समझा बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसीलिए तो कुत्ता भौंक रहा था, इसका जवाब आप कृपया कमेंट बॉक्स में दीजिए।